हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एमजे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हाइबिस्कस का रूट बाउल है। मैंने हाइबिस्कस के प्लांट को पूरा निकाल दिया है और इसका जो रूट बाउल है ओपन हो गया। आप देखिए, इसके जो नए नए फाइबर रूट्स है वो डेवलप कर रहे हैं। मतलब प्लांट अच्छा ग्रोथ कर रहा था, लेकिन लीव्स उसके जितने चाहिए उतने डेवलप नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि लीव्स अभी येलो हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसका रूट बाउल थोड़ा मैं देख लेता हूँ। और जो स्टिफ मिट्टी है, जो अपने गार्डन सॉयल है, जो प्योर गार्डन सॉयल है, वो थोड़ी मैं ऊपर से निकाल दूँ, ताकि जो मेरी नॉर्मल मिट्टी है, थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी है, वो मैं फिर से भर देता हूँ। तो ये जो ऊपर की जो गार्डन सॉयल है, ये देखिए फ्रेंड्स, आज आज संडे है, तो आज मेरे बच्चे भी मेरे थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। वैसे उनको भी थोड़ी गार्डनिंग में इंटरेस्ट आया है तो अच्छा है, क्योंकि गार्डनिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये जो ऊपर की जो सॉयल है, ये देखिए, ये मैं थोड़ा धीरे से ऊपर से निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे रूट्स उसके डैमेज नहीं करने हैं। तो अब ये रूट बाउल को मैं धीरे से थोड़ा साफ़ करूँगा। मतलब ऊपर की जो भी मिट्टी है वो मैं धीरे धीरे निकाल दूंगा। ये जो टूल है वो पॉइंटेड टूल है मेरा, तो मैं उसको धीरे से निकाल दूंगा। जितना हो सके उतनी मिट्टी में निकालूंगा आराम से, क्योंकि मुझे जो नए रूट्स जो डेवलप हुए हैं उसको तोड़ना नहीं है। और मैं ऑलमोस्ट सभी मिट्टी तो नहीं निकालूंगा, मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल दूंगा और रूट बॉल की साइज़ को थोड़ा छोटा कर दूंगा। और बाद में मैं इसको फिर से मैं पॉट करूंगा, जो पॉट में से मैंने निकाला था वो पॉट में मैं फिर से पॉट करूंगा, और जो नई मिट्टी है वो मैं भर दूंगा। मिट्टी बहुत ही स्टिफ है, ये जो मिट्टी है वो गार्डन सॉयल, प्योर गार्डन सॉयल है। गार्डन सॉयल में यही एक दिक्कत आती है कि पानी बहुत ज़्यादा स्टोर कर देता है, जिसकी वजह से पत्ते पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे देख के थोड़ा आराम से करना है। ये देखिए, इसके रूट्स बहुत ही अच्छा डेवलप कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे डेवलप हो रहे हैं इसके रूट्स। थोड़ी थोड़ी मैं मिट्टी ऊपर से निकाल दूंगा। तो आज मेरी कॉम्पोस्ट भी मुझे रेडी करनी है, कॉम्पोस्ट का काम भी बाकी है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आज सुबह से मुझे बहुत ही बिजी चल रहा है। आज मैंने सुबह इधर गार्डन की पूरी सफाई की, पूरा गार्डन मैंने पानी से धोया, मेरी मम्मी ने और मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की उसमें। और वो काउडंग आज मेरा डालना रह गया है, आज संडे है फिर भी, लेकिन चलता है कभी कभी, अगर मिस हो जाता है तो चल जाता है, क्योंकि आज सुबह से बहुत ही बिजी चल रहा हूँ। प्लांट्स को सिर्फ मैं नॉर्मल पानी दिया है, तो आज मैंने काउडंग नहीं डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं अंदर। नए रूट्स भी इसके साथ तो थोड़े ब्रेक होने ही वाले हैं। अगर रूट बाउल हम तोड़ेंगे तो नए रूट्स भी थोड़े ब्रेक तो होंगे ही। तो रूट बॉल को मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ूंगा। देखिए, ये पूरा नया रूट्स निकल गया है बाहर। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा, इतना आधा रूट बॉल मैंने निकाला है इसका। फिर भी नीचे का ये पोर्शन बहुत ही हार्ड है, उसको थोड़ा निकाल देता हूँ। ये प्लांट्स थोड़े दिन के लिए अपनी ग्रोथ रोक देगा, क्योंकि रूट बॉल से मैंने छेड़छाड़ की है, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो अपनी पकड़ कर लेगा। फिर से जैसे जैसे नए रूट्स डेवलप होंगे, वैसे वैसे ये प्लांट अपनी पिकअप ले लेगा। जनरली क्या है कि हमें गार्डनिंग में इतना घबराना नहीं चाहिए कि मेरा प्लांट ख़राब हो जाएगा, बस हमें अपने हिसाब से करते रहना चाहिए। बस करते करते
हमें एक्सपीरियंस आता रहेगा कि हमें किस हिसाब से काम करना है। तो इतना रूट बॉल में रहने दूंगा, इतना रूट बॉल में रहने दूंगा। अब मैं इसको फिर से पॉट कर देता हूँ, ये जो मेरा गमला है उसके अंदर मैं फिर से पॉट कर देता हूँ। तो मैंने ये पॉट का होल्ड ढक दिया है, अब मैं इसके अंदर थोड़ी मिट्टी डाल दूंगा। देखिए जो मिट्टी मैंने ली है वो ओनली टोटल मिट्टी है, और सैंड जो मैं मिक्सर बनाता हूँ 70% सैंड और अरे सॉरी फ्रेंड्स 70% मिट्टी और 30% सैंड का जो मिक्सर है वो मैंने बनाई है। वो मिट्टी जो मैंने पूरी तरह छान ली है इसीलिए इतनी सॉफ्ट है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है। तो वो मिट्टी मैं यूज़ करूँगा। बस अब इतनी मैंने मिट्टी इसके अंदर डाल दी है, अब मैं ये रूट बाउल को अंदर रखूँगा। अब मैं इसके अंदर मिट्टी डालूँगा। मिट्टी डाल दो बेटा अंदर। मेरे बच्चे आज थोड़ा हेल्प कर रहे हैं उनके हिसाब से, लेकिन उनको भी करना चाहिए। मैंने अभी किसी भी टाइप का इसके अंदर कंपोस्ट नहीं डाला है, ये प्योर मिट्टी है, तो मैं प्योर मिट्टी ही अभी डालूँगा। थोड़े दिन के लिए मैं ये प्योर मिट्टी ही रखूँगा। अगर आप चाहें तो इसमें कंपोस्ट भी मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मुझे कंपोस्ट का काम मेरा पेंडिंग है, मुझे कंपोस्ट निकालनी है। तो कंपोस्ट मेरे पास अभी है नहीं, तो मुझे ये काम ख़त्म करके मुझे कंपोस्ट का काम हाथ में लेना है। मैं थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ मेरे बच्चों से, लेकिन उनको आज शौक़ है गार्डनिंग का, तो मैं करने देता हूँ। वैसे वो मिट्टी डालने से ज़्यादा बाहर गमले के अंदर डालने से ज़्यादा बाहर डालते हैं, कोई बात नहीं डालने दो उन्हें। अब ये गमले को मैं थोड़ा पटकूंगा नहीं, क्योंकि ये गमले की हालत कुछ ठीक नहीं है, बहुत पतला गमला है ये। तो क्या करूंगा मैं कि इसके अंदर मैं पहले पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद मैं देखता हूं कि इसके अंदर एयर पॉकेट्स है वो रह गए हैं। अगर रह गए हो तो मैं इसमें एक स्टिक डाल के वो एयर पॉकेट्स निकाल दूंगा। तो मैं इसमें अब पानी डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, ये देखिए अच्छी तरह से पानी डाल देना है। पूरी मिट्टी वेट हो जानी चाहिए अंदर तक, जो भी मैंने नई मिट्टी इसके अंदर डाली है वो सारी मिट्टी वेट हो जानी चाहिए। बस 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 अब एयर पॉकेट्स इतने दिख नहीं रहे मुझे, पहले ये मिट्टी थोड़ी पानी सक कर ले, उसके बाद मैं फिर से दूसरा पानी डालूँगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने पूरा पॉटिंग मेथड आपको बता दिया है कि हमें किस हिसाब से ये प्लांट को अपने फिर से रिपॉट करना हो तो हम किस हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी एक बात क्या है फ्रेंड्स कि ये जो मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है वो डेवलप्ड प्लांट है, थोड़ा बड़ा प्लांट है, इसीलिए मैंने थोड़ी इसमें हिम्मत करके इसमें इसके अंदर मैंने रूट बॉल को थोड़ा तोड़ा है, और बाद में उसके जो रूट्स जो डेवलप रूट्स थे उसको भी थोड़ा डैमेज किया है, और वो हिसाब से मैंने पूरा ये रिपोर्ट का पूरा मैंने प्रोसीजर किया है। आप भी कर सकते हैं, और आप घबराइए नहीं, आपका प्लांट्स फिर से डेवलप हो जाएगा। थोड़े दिन के लिए ये थोड़ा ग्रोथ अपनी रोक देगा, लेकिन फिर से इसके रूट्स डेवलप हो जाएंगे और नए नए लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है मेरी छोटी सी वीडियो रिपोर्टिंग ऑफ हाइबिस्कस प्लांट, और अब मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।